नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी फेस्ट का दीप प्रज्वलन कर किया उद्घाटन, कहा केंद्र सरकार ने की है एक से बढ़कर एक घोषणाएं। शराबबंदी को लेकर आंदोलन कर रही पूनम अंकुर छाबड़ा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छाबड़ा ने गर्भवती होने के बावजूद की थी अनशन की घोषणा, अनुमति नहीं मिलने के बाद भी पहुंची थी शहीद स्मारक। अलवर पुलिस की मानव तस्करी विरोध यूनिट की कार्रवाई, बंगाल से अपहरण हुई बालिका अलवर में बरामद, पुलिस ने किया तीन जनों को गिरफ्तार। सीकर के विसायतन चौक के समीप एक समुदाय के दो पक्षों में धारदार हथियारों से हुआ झगड़ा, झगड़े में एक युवक की हुई मौत, घायलों का अस्पताल में कराया भर्ती। अजमेर के नसीराबाद के बीरगांव में बस और ट्रेलर में हुई भिड़ंत, ट्रेलर चालक की मौत, पांच यात्री हुए घायल, भिड़ंत में ट्रेलर के उड़े पर खच्चे। एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वे मुंबई से विशेष विमान से जयपुर आए, एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह मोहाना मंडी पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मोदी फेस्ट का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलन कर मोदी फेस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि तीन साल में मोदी सरकार ने आम आवाम को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक घोषणाएं की हैं, जिनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। राजनाथ सिंह दूदू के एक गाड़िया लोहार के घर खाना भी खाया, इस दौरान कई भाजपा नेता मौजूद थे। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन कर रही पूनम अंकुर छाबड़ा को शुक्रवार को समर्थकों के साथ जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। छाबड़ा ने गर्भवती होने के बावजूद अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनशन की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद वो अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक जा रही थी, उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। पूनम का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना चाहती है, इसके बावजूद उसे उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया। पूनम ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, वे जब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं हो जाती अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगी। मंदसौर जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सचिन पायलट की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ता जय सिंह हाईवे से रैली के रूप में रवाना हुए और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पीएम मोदी का पुतला भी फूंका और मंदसौर के पीड़ित किसानों और देश के किसानों के कर्ज माफी की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक तारीख से लगातार जब से महाराष्ट्र के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया। एक तारीख से लगातार तीन चार जिलों के अंदर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते पूरे मध्य प्रदेश में हो गया। महाराष्ट्र के अंदर भी आपको मालूम है कि किसानों का आंदोलन, लेकिन 5 तारीख और 6 तारीख को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने आदेश दिए या नहीं दिए, लेकिन पुलिस की गोली से 6 आदमी मारे गए। वहाँ के होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि पुलिस गोली से नहीं मारे, जबकि 2 दिन बाद कहते हैं कि पुलिस गोली से मारेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय राहुल जी गांधी कल
सुबह ठीक 9 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए और मध्य प्रदेश के अंदर उन किसान जिन किसानों की हत्या हुई, जिन किसानों का मर्डर हुआ, जिन किसानों को मारा गया पुलिस की गोली से, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनके गार्जियन से मिलने के लिए राहुल गांधी, सचिन पायलट और हमारे दूसरे नेता मध्य प्रदेश में जब जा रहे थे तो पहले उनको गाड़ियों से रोका गया। गाड़ी के बाद में जो मोटरसाइकिल पर सवार हुए तो मोटरसाइकिल को रोका गया, मोटरसाइकिल पर सवार हुए तो वो फिर रोका गया, तो पैदल रवाना हुए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। कल हमने तत्काल जयपुर के अंदर गिरफ्तारी, आपको मालूम है गिरफ्तार के विरोध के अंदर हमने तत्काल रिहाई करने के लिए कल प्रदर्शन किया और आज हमने फिर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता, आपने देखा होगा अचानक फिर यूथ कांग्रेस के कार्यालय से लेकर याद है। कांग्रेस के संगठन संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा नव नियुक्ति APRO कुलवंत राय आज अपनी एक दिन की यात्रा पर अजमेर आए। अजमेर कांग्रेस के APRO ने इंडोर स्टेडियम में शहर जिला कांग्रेस और देहात कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संगठन के चुनाव पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके चलते चुनाव को लेकर जरूरी सुझाव लिए हैं। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। संगठन की जो कांग्रेस पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है, पर जो चुनाव की प्रक्रिया है, कांग्रेस का इंटरनल हमारा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, अक्टूबर तक ये समाप्त होगा। अभी सदस्यता अभियान खत्म हो चुका है, उसकी अगली प्रक्रिया के बारे में हम अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को मिलने के लिए आए हैं। इसकी कोई कंप्लेंट होगी या इसका कोई जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करने के लिए या उनको प्रक्रिया के बारे में। बांसुर क्षेत्र के गांव बहराम का बास में टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र दुलनजीत गुर्जर ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं स्कूल में पहला स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र दुलीचंद ने अपनी पढ़ाई का श्रेय विद्यालय शिक्षकों और अपने माता पिता को दिया। विद्यालय से दूसरा स्थान संदीप यादव ने 95.83% व सोनू यादव ने 94.83% अंक प्राप्त किए हैं। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में पंजाब सरकार पंजाब के किसानों का कर्ज माफ करेगी। वे शुक्रवार को जयपुर में PCC में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। मनप्रीत सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार ने किसानों के कर्ज माफ कर राहत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में था, जिसे पंजाब सरकार जरूर पूरा करेगी। वहीं SYL के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 60-40 के हिसाब से सतलुज, व्यास, रावी और यमुना नदी के पानी का बंटवारा करे तो आज ही खत्म हो जाए, लेकिन हरियाणा सरकार यमुना का पानी इसमें शामिल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में पंजाब का 70% पानी पंजाब से बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी नहर में पंजाब की तरफ से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी जरूर देगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर मुद्दे पर देश हित में शांति से न्यायोचित फैसला करना चाहती है। खालिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर आतंकवाद को प्रदेश में नहीं पनपने देगी। और जो मध्य प्रदेश में हुआ, हालांकि वो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मौजू नहीं है, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब, उनका मुतालबा जब मोदी जी से भी मिले थे और बड़ा वाजिब मुतालबा था कि आलमी मंडी में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें बड़ी कमतरी आई है और पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं, कच्चे तेल की जो कीमत है वो आधी से भी कम हो गई है। और अगर ये 4-5 लाख करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक किस्म का विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है, अगर ये भारत के किसानों में तकसीम किया जाता, किसान को एक दूसरा मौका मिल जाता, मतलब ही वुड हैव गॉट अ सेकंड चांस, भारत का किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता,
और आज मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो एनडीए की लीडरशिप है वो भटक चुकी है और बदकिस्मती से हमारी कौम भी भटक चुकी है और इस मुश्किल तरीन हालत में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है और खास करके किसान के इतबार से वो देश में नहीं है। प्रदेश के गोपालन में डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर पहुंचने पर मंत्री देवासी का सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इधर अपने दौरे के दौरान मंत्री ओटाराम देवासी ने सांसद मानशंकर निनामा के साथ जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद मानशंकर निनामा, जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और एसपी हिम्मत अभिलाष टांक मौजूद थे। सभी ने पुलिस विभाग की ओर से गोद लिए वागदरी के बड़ा तालाब पर श्रमिकों के साथ श्रमदान किया। मंत्री देवासी ने मुख्यमंत्री के जल स्वावलंबन अभियान को जनजाति जिले डूंगरपुर जिले के लिए वरदान बताया। करौली के हिंडौन गेट से गुलाब बाग तक बनने वाले गौरव पथ का कार्य शुरू किया गया। गौरव पथ निर्माण के लिए दो दिन पहले नगर परिषद द्वारा हिंडौन गेट से लेकर गुलाब बाग तक अतिक्रमण हटाया गया था, जिसको लेकर कई दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने इस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हुए वहां से अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने का कार्य लगभग दो दिन तक चला, जिसका मलवा सड़क पर पड़े रहने से आवागमन बाधित हो गया। गौरव पथ निर्माण के लिए नगर परिषद ने सख्ती बरती और गौरव पथ का निर्माण शुरू कराया गया। अलवर पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट व मालाखेड़ा थाना पुलिस सहित पश्चिम बंगाल की टीम ने गुरुवार देर रात मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ौली में एक मकान पर छापा मारकर बंगाल से अपहरण कर लाई गई 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को मुक्त कराया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण कर लाने के आरोप में इमरान खान व उसकी पत्नी सभीला अली मोहम्मद और हरुण खान को गिरफ्तार किया है। यूनिट प्रभारी रामरूप मीणा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के परगना से अपहरण कर लाई गई नाबालिग बालिका को मुक्त कराए जाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग बालिका की शादी कराने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई। अजमेर के नसीराबाद के बीरगांव के निकट निजी बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिससे 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक निजी बस अजमेर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी, तभी नसीराबाद की ओर से अजमेर जा रहे एक खाली ट्रेलर में अनियंत्रित होकर बस घुस गई। भिड़ंत इतनी भीषण हुई कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ट्रेलर चालक की मौत हो गई, वहीं बस के भी यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। कॉटन बेल्ट के नाम से पहचाने जाने वाले श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के एक युवा किसान ने परंपरागत खेती से हटकर नई किस्मों की खेती शुरू की है। इससे जहां किसान की आय में बढ़ोतरी हुई, वहीं खर्चा भी कम हुआ है। हम बात कर रहे हैं रायसिंह नगर तहसील के गांव 24 पीडीटी सुनील देवठिया की। इंजीनियरिंग में बीटेक सुनील को खेती में काफी रुचि है। सुनील ने अपने खेत में थाई एप्पल के पौधे लगाए हैं। करीब 6 बीघा में उसमें मूलत थाईलैंड के पौधे की किस्म लगाई गई है। झाड़ी नुमा ये पौधा 6 माह में ही फल देना शुरू कर देता है। हालांकि ये बेर की ही उन्नत किस्म के है, लेकिन इनका आकार छोटे सेब का होता है, जायका की भी सेब जैसा होता है। सुनील, उसने ये खेती इंटरनेट पर सर्च की थी। नवंबर दिसंबर में पौधे पर फल आएंगे। सुनील का कहना है कि प्रति बीघा 1.5 लाख की आय होगी। एक बार इसके पौधे लगाने के बाद 40 वर्षों से भी अधिक समय फल देता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाई एप्पल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इसके साथ अन्य खेती भी हो सकती है, जिससे कि किसान को दोहरा लाभ होता है। सुनील द्वारा लगाई गई खेती इन दिनों यहाँ किसानों में चर्चा का विषय है। एप्पल लगा रखा है, इसका सर्च मैंने नेट पे किया था। मेरा क्या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो इसकी खेती मैंने गुजरात में देखी है नेट पे, तो वहाँ से मैंने इसकी पोत मंगवाई। तो ये मैंने 6 बीघा में अभी इसको किया, तो 1 बीघा में 200 पोत लगी है। अजमेर के ब्यावर में युवक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन कर एमपी के सीएम का पुतला फूंका गया। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को गिरफ्तार किए जाने को लेकर विरोध किया गया। कांग्रेस नेता मनोज चौहान और युवा अध्यक्ष नितेश यादव के नेतृत्व में अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। बाद में सभी कांग्रेसी चांगगेट पुलिस चौकी पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। तभी सिटी थाना अधिकारी यशवंत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस के वाहन में बिठाकर उदयपुर रोड ले गए और आगे ले जाकर रिहा कर दिया। सीकर के कोतवाली थाना इलाके के बिसायतान चौक के पास देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना में एक युवक की मौत भी हो गई। जानकारी के अनुसार एक ही समुदाय के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों तरफ से लाठियों व धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में अब्दुल साजिद नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को एसके अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बैंकिंग लोकपाल आपके द्वार अभियान शिविर के तहत राज्य बैंकिंग का एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में बैंकों के ग्राहकों की समस्याओं को सुना गया। लोकपाल चीफ माधवी शर्मा ने बताया कि बैंकों में ग्राहकों को होने वाली समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए। आमजन को बताया गया कि सबसे पहले जिस बैंक में उनका खाता है उस बैंक में जाकर अपनी समस्या बैंक अधिकारियों को बताएं। अगर वहां भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो लोकपाल में अपनी शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आए दिन ATM पर होने वाली समस्याओं, जैसे रुपए निकल जाना और ग्राहक को बगैर मैसेज के रुपए भी निकल जाना, किसी शातिर ग्राहक के झांसे में नहीं आना, अपने ATM पर पिन नंबर नहीं लिखना आदि समस्याओं को आमजन को बताया गया और उनकी समस्याओं को सुन बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राहकों की समस्याओं पर ध्यान दें। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में शिवसेना तहसील प्रमुख को खनन माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी देने के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंपकर माफियाओं पर कार्यवाही करने की मांग की। शिवसेना पदाधिकारी गोपाल शर्मा ने कहा कि बिजौलिया खनन क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ तहसील प्रमुख रामभूल धाकड़ ने आवाज उठाई थी। इसके कारण खनन माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में धाकड़ ने बिजौलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण शिवसेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के प्राथमिक स्कूल को जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में मार्ग पर पानी की निकासी बाधित हो रही है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देशन पर तहसीलदार ने पंचायत तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटवाया।
सीकर के श्री माधवपुर में स्थानीय किसानों ने किसान महापंचायत के बैनर तले उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हो रही बर्बरता को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। धौलपुर में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड की ओर से अभिरुचि शिविरों में इन दिनों बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिविर में पेंटिंग, डांस, ढोलक बजाना, मेहंदी सहित कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिविर प्रभारी सीमा रिजवी ने बताया कि बालिकाओं को घरेलू कार्य से लेकर आजीविका कमाने के लिए कई कोर्स सिखाए जा रहे हैं। शिविर में 19 ट्रेड के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में 176 बालिकाओं का पंजीकरण है। 18 जून को शिविर का समापन होगा। भीलवाड़ा जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आमजन और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है। इससे सभी को लाभ मिलेगा। इस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भामाशाहों से अधिक सहयोग देने की अपील की। हाड़ा शुक्रवार को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में विभिन्न दानदाताओं व भामाशाहों के सम्मान में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से जुड़ी लघु फिल्में भी दिखाई गईं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।